Recording in progress. गुड मॉर्निंग टू ऑल. सुन रहे हैं? मैं देखो. ओके ओके. कोई बच्चा दसेगा कि ठीक आ रही आवाज? आवाज आ रही? हाँ जी मैम. टेक दिस मैम. कॉल कर रहे हैं कोई? अगर थानू मेरा बैक कैमरा दिख रहा है तो तुसी अगर इस विच देखो ते सेंटीमीटर एंड इंची स्केल है. मैं थानू इस बारे पहला भी वीडियो च दसिया सीगा सारे बच्चे. ठीक है, एदे विच अगर तुसी क्लोज कैमरा करके देखो तो इत्थे सेंटीमीटर लिखे हैं. अपना सारे उठाओ, देखो सारे दिख रहे हैं गैलरी च? देख मैं कुछ भी बोल दो, वो नहीं दे रहा स्क्रीन पे. देखो सारे बच्चे नो शो हो रही है कॉपी. हां जी मैम. यस मैम. सारे बच्चे अपने इंचेस देखो, आवाज सब नु प्रॉपर आ रही है? ठीक है, अथे सेंटीमीटर्स हैं. तुसी अगर कैमरे से देखो तो प्रिया लाइट ऑन. ठीक है, सेंटीमीटर्स हैं इथे अगर तुसी देखो तो. ठीक है, मैं पहला भी इस बारे दसिया सी क्योंकि अगर सेंटीमीटर होंगे ना बेटा, जिस पासे सेंटीमीटर होंगे उथे सीएम लिखा होएगा. अगर तुसी इस वे च देखो इथे सीएम लिखा होया. ठीक है, और इस वेच देखो थानू इंचेस नजर आएंगे. ठीक है, इंच नजर आएंगे. जे तुसी इंचां च काम करना है तो इंच सारे बच्चे मेरे नाल पहला इंचां च असी ड्रॉ करांगे लाइंस. अज लाइंस ने ताकि तुसी ड्राफ्टिंग फाइल दे उत्ते लाइंस किवें करनियां ने ओदे बारे जानकारी प्राप्त हो सके थानू चंगी तरह. मैम पेंसिल. मैम ठीक है, तो तुसी सारे जने पहला इंचां च कर रहे हैं ना, इस दे इंच देखो, ये वाली इंच साइड है. सारे अपने निकालो और इंचेस देखो, फिर उथे इंचेस लाइंस लगानियां ने. जिस तरह एक इंच ठीक है, इथे एक इंच है. ठीक है, असी लगानी है 13 इंच दी लाइंस ते इथे आ गई 13 इंच. इस पॉइंट तो बिल्कुल सामने असी निशान लगा लिया 13 इंच दा ते असी उसनु सीधा लाइंस लगानी है. ठीक है, मैं थोड़ा डार्क इसलिए लगा रही हूं क्योंकि मेनू कैमरे ते दिखाना है. ठीक है, मैं थोड़ी मोटी और डार्क पेंसिल यूज कर रही हूं, लेकिन तुसी सब ने ब्रीक करना है तो जिथे 13 इंच दी लाइन है ओदे नाल ही असी पैरल लाइन्स लगा के यह दिखाना है कि इथे 13 इंच की लाइन है. असि उस लाइन नु कितना शो करांगे, एक्स्ट्रा लाइन्स लगावांगे दोनों साइड्स दे उत्ते, एरो दे निशान लगावांगे उते 13 इंच 13 इंच. मैम ने दसिया सी इंचेस दे निशान इस तरह होंदे ने, जिस तरह 4 इंच लिखना है फिर असि 5 इंच लिखना है. ठीक है, दिख रही है सब नु?
6 इंच लिखना है, इंच ते निशान लगाते हैं, इसलिए असि यह 13 इंच की लाइन लगाई है। ठीक, हुण असि इसी इंच असि यह क्यों ले रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, कर्व क्यों ले रहे हैं, क्योंकि असि ड्राफ्टिंग फाइल से इस नाल करना है, एदी हेल्प दे नाल असि ड्राफ्टिंग फाइल से करना है। ठीक है, फिर अगर तुसी करन लगे हो फिर थानू ये भी पता होना चाहिए एक गल का होर ध्यान, हुण आपां ने 13 इंच की लाइन लई सी, जिस तरह तुसी आ देखो इत्थे लिखा 1.9, ठीक है, जदों तुसी 13 इंच लिया स्केल कदया तुसी 1.9 स्केल स्केल लिखना है 1.9, यानी 1.5 भी कर सकते हो इस तरह। मैम समझ नहीं आ रहा कुछ भी। ठीक है, तो उसको नोट डाउन करना है। मैं दोबारा तो रिपीट कर रही हूं कि अगर तुसी ए वाला ट्रायंगल कर्व यूज कर दियो, ये सिर्फ असी ड्राफ्टिंग फाइल इस्तेमाल करते हैं, असी अज पहला इंचां च करना है क्योंकि इंचिस लिखे हुए ने, देखो कैमरे च साफ दिख रहा इंचिस, इंच है, इंच दे नाल तुसी की करना है, पहला असी इंचां दे लाइन लगावांगे, आहा इंच वाली साइड है, नीचे वाली लाइन है सेंटीमीटर, सीएम, देखो सीएम है नीचे वाली लाइन, सेंटीमीटर है। ठीक है, 1/9 लिखा होया ना, आप 1/9 लिखांगे क्योंकि असि 1/9 च बना रहे हैं। हुण असि अगली लाइन लगानी है 20 इंच दी, ठीक है, 20 इंच यानी 20 इंच का निशान। मैं थोड़ा डार्क पेंसिल लई है, तुसी डार्क पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि मैं कैमरे च थानू दिख जावे तद, ठीक है, इस तरह दो डॉट निशान लगा ले, डॉट लगा ले 20 इंच तक दे। ठीक है, मैं थोड़ी मोटी पेंसिल यूज की है लेकिन क्योंकि थानू नजर आ सके, लेकिन तुसी मोटी पेंसिल नहीं यूज करनी है, ब्रीक और डार्क पेंसिल यूज करनी है। ठीक है, इसनू शो करन लई साडी किन्नी लंबी लाइन है, असी उसनू लाइन लगावांगे ओदे पैरलर, ठीक है, ते ओ लाइन नू इस तरह कट दांगे, एदा मतलब ए लाइन इत्थे तो इत्थे तक ही 20 इंच है, असी एरो दे निशान लगावांगे और 20 इंच लिखांगे, 20 इंच, इंच दा लोगो, जिस तरह मैं पहला दसिया 4 इंच लिखना है तो उपर दो लाइन लगन गी है, 5 इंच लिखना है तो उपर दो लाइन लगन गी है, 6 इंच लिखना है तो उपर दो लाइन लगन गी। ठीक है, क्योंकि अगर असी सलवार की लंबाई बनानी है तकरीबन सलवार की लंबाई 40 इंच या 36 इंच होंगी है, लेकिन कागज के उत्ते 40 इंच या 36 इंच सलवार की लंबाई नहीं आएगी। ठीक है, ओदे लई थानू यह करना पेगा। मैम ना मेनू कॉपी शो हो रही है, जन की मेनू स्क्रीन ते कैमरे ऑफ है, सारा कुछ भी शो नहीं हो रहे, बार बार कनेक्टिंग हो जाती है, पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम है या पता नहीं क्या है। ठीक है, हुण असी इंच दी च केड़ी लिखावांगे, 30 इंच, क्योंकि 30 इंच है ना 1.9, देखो इत्थे 1.9 थान नजर आ रहा है, तुसी थोड़ा अपने फोन दे उत्ते जूम करके भी देख सकते हो। ठीक है, असी 1/9 च कर रहे हैं, हुण असी करनी है 30 इंच, 30 इंच इत्थे तक आ गया, लेकिन असी अगर 30 इंच 1/9 स्केल च लिया ड्राफ्टिंग फाइल च लिया तद ही साडी इह लाइन 30 इंच दी पूरी आई है, लेकिन असी इहनू फुल स्केल च करांगे ब्राउन पेपर ते करांगे तां उह काफी बड़ी होएगी, इसलिए सानू लाइनस है कि ड्राफ्टिंग फाइल दे उत्ते तुसी लाइनस किवें मेजर करनियां ने। ठीक है, 30 इंच, ताकि नाल नूं पता लग सके कि आ वाली लाइन इत्थे तक 30 इंच है। ठीक है, थानू ये लाइन्स काम आणगीआं, सारे अपनी कॉपीज ते लगाओ, लगा रहे हैं सारे अपनी कॉपीज ते नाल नाल? यस मैम।
अपना बैक कैमरा ऑन रखो, अपना बैक कैमरा ऑन रखो, शो मी प्लीज। अपना बैक कैमरा ऑन करो और कॉपी शो करो, प्लीज शो मी। गुड, नेक्स्ट असी हुन करे असी 1/9 स्केल च, हुन असी करांगे 1/6 च, इंच विच ही करांगे लेकिन 1/6। देखो तुसी इत्थे 1/6 है लंबाई साइड च, 1/6 इत्थे इंच भी लिखा होया है और सेंटीमीटर भी लिखे हुए, ठीक। हुन 1/6, 1/6 च करांगे असी लिखांगे स्केल 1/6, ठीक है। इत्थे सानू लिखना पएगा तद ही जो मयर करेगा, जो थानू चेक करेगा उसनु पता लग जाएगा कि इन्हें 1/6 च लिया होया है, ठीक है। हुन असी 1/6 च की करांगे, असी 13 इंच लिया सीगा, देखो 1/9 च तुसी लिया सी, जदों 1/9 च 13 इंच किन्ना छोटा आया सीगा, ठीक है। जदों नाप वड्डा होवे ज्यादा होवे तो तुसी उन्हें छोटा करना होवे तो 1/9 च लिया सी, अगर उस तो थोड़ा जिहा वड्डा करना सी 1/6 च, 1/6 च कितना लाइन वड्डी होगी ना, देखो हो गया फर्क पै गया ना 1/9 दा और 1/6 च। ऐसे तरह ही तुसी नाप नू घटा वधा नहीं सकते लेकिन तुसी उसनू 1/6, 1/9, 1/5, 1/4 दे विच कर सकते हो ड्राफ्टिंग, ठीक है। देखो हुण मैं अगे 1/6 स्केल दे विच 20 इंच लवांगी, आपां 1/9 च पहला 20 इंच लिया सी, हुण 1/6 च असी 20 इंच लवांगे। सारे 1/6 दे विच 20 इंच दा लो लाइन लो, आ देखो पहला ठीक है। देखो आ वाली लाइन 20 इंच 1/6 च लई है, 20 इंच दी बड़ी होगी ना लाइन, 1/9 च लई सी तो छोटी सी लाइन। मेरा कहन दा मतलब यह है, भाव इत्थे यह है कि जदों तुसी कोई भी नाप होवे उसनू ड्राफ्टिंग फाइल से करना होवे तां तुसी इस दी सहायता नाल तुसी ड्राफ्टिंग फाइल दे उत्ते कर सकदे, ठीक है। हां जी मैम, तुसी लाइन लगाओ, शो मी, मैनू दिखाओ बैक कैमरा करके अपना 1/6 दे विच 20 इंच दी लगाई है लाइन। ओके हां जी मैम, हुन अगे असी लई सी 30 इंच दी लाइन, ठीक है 1/9 च, हुन असी इत्थे लवांगे 30 इंच दी, लेकिन एदे विच जदों असी 1/6 च 30 इंच लिया ना तो साडा काफी वड्डा आ गया। देखो 30 इंच इत्थे है, ठीक है, बहुत बड़ी लाइन हो गई उपर तक, असी 1/6 च ले 30 इंच दी लाइन, हम 30 इंच, ठीक है। ये है 30 इंच 1/6 च ली असी, ठीक है। एक 1/9 च ली सी 30 इंच दी लाइन, हुण आपां 1/6 च ली है 30 इंच दी लाइन, ठीक। हां जी मैम, एनी गल समझ आई? यस मैम, समझ आया थानू? यस मैम, थोड़ा थोड़ा।
ਬੱਚੇ ਯੈਸ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਯੈਸ ਮੈਮ। ਨੋ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੁਝ ਵੀ। हाँ मैम, मैम पहले तो सानू ये दस दो स्केल कितों मिलेगी, ये वाली मेरे को तो स्केल ही नहीं है। ये वाली ये समझ आया या नहीं? यस मैम, थोड़ा थोड़ा। देखो बच्चों, जो मैं लाइन्स बारे कह रही थी ना, ड्राफ्टिंग ते अपना ड्राफ्टिंग फाइल दे उते ड्राफ्ट किवें करना है, इन फ्यूचर अपना ड्राफ्ट करना है कॉपी दे उते, क्योंकि कॉपी है साडी प्रॉपर्टी है और लाइफ टाइम प्रॉपर्टी है। ठीक है, जदों तुसी कोई भी कपड़ा बनांदे हो, कुछ भी करदे हो, तो थानू वो कपड़ा कटदे हो, सिलाई करदे हो और पा लैंदे हो, और थोड़े कोल स्टोर नहीं तुसी कर सकदे। लेकिन कॉपी दे उते कोई किसी भी तरह का ड्राफ्ट, किसी तरह का पैटर्न ले स्टोर कर सकते हो। हम नाप कई बार वे होंगे, 40 इंच का स्टैंडर्ड साइज है अपने को, सिर्फ पेंट का नाप है, शर्ट का नाप है 36-42 इंच लेंथ है, लेकिन वो लेंथ कॉपी से पूरी नहीं आ सकती। कॉपी का पेज तो एक सिंपल पेज है ना, सिंपल पेज है, इतने तो लेके इतने तक लंबाई है, इतने तक 40 इंच नहीं आ सकता, 36 नहीं आ सकता है ना। इवन दैन यह सिर्फ 12 इंच की इसकी लंबाई है, लेकिन असं इसके उत्ते कॉपी का, शर्ट का, पेंट का, पेंट कट पजामे का, चूड़ी का पजामे का, नहरू कुर्ते का, नहरू समोसा कट पजामा, चूड़ीदार पजामा, पेंट कट पजामा, सादा पजामा, अलीगढ़ पजामा, असं सारे दे ड्राफ्ट बनाने ने। लेकिन वह ड्राफ्ट की होंगे ने कि वह सिर्फ और सिर्फ 14 इंच उन्हों की लेंथ होंगी है, स्टैंडर्ड साइज 14 इंच, 14 इंच आ नहीं सकता। इसलिए असं की करांगे, इसकी मदद लवेंगे। मैं थानू दस रही थी पहला भी, प्लीज एक बार ध्यान नाल दोबारा तो सुनो कि इस दे विच स्केल बने हुए, 1/6, 1/9 और 1/5। आ देखो तुसी जूम करके देखो अपने उत्ते उत्ते, या थोड़े कोल इहदे नाल दे हैं कर्व सब नू दिते गए ने, तुसी उत्थे देख लो। थोड़ी आसानी लई है यह, ठीक है। ऐसे तरह ही इधर इंचीज विच भी है, सेंटीमीटर च भी है, ठीक है। उन्होंने इसका फार्मूला भी दसा, सेंटीमीटर च 1 इंच नूं असीं कीता हैगा, वह वाला फार्मूला लिखा इंच दे विच लिखा हुआ है। इस दे विच भी इंचीज विच भी है और सेंटीमीटर च भी है, दूसरी साइड भी इंचीज विच भी है, ठीक है। तुसीं अगर देखो, जानकारी होनी चाहिए पहला, जो थानू एदे बारे ही जानकारी अच्छी होगी तभी तुसी लाइन्स उसके उत्ते ड्राफ्ट बना सकोगे, ठीक है। फिर मैं थानू की दस रही थी कि अगर असं इंचा च, पहला इंचा च लाने, जो असं इंच का निशान लगाने, मैं पहला भी दसिया 2 इंच का निशान इस तरह, सिर्फ इस तरह दो उपर डंडिया लगाने दे नाल, जिस तरह आपां पंजाबी च दलावां लगांदे आ, उवें ही इहदे विच इंच, ठीक है। 4 इंच लिखना होवे, 10 इंच लिखना होवे, 20 इंच लिखना होवे, तां तुसीं इत्थे ऐसा इंच दे लगाओगे। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 इंच ਐਸਾ ਇੰਚ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡਾ 4 ਅੱਖਰ ਲਿਖਣ ਨਾਲ 2 ਡੰਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਿਖ ਦੋ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚਦਾ ਔਰ ਸ਼ੋਰਟ ਹੈਂਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, 1/9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, 1/9 ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਕੇਲ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਕਦੇ ਜੋ ਵੀ ਡਰਾਫਟ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਕੇਲ ਸਕੇਲ 1/9, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1/9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਚ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 13 ਇੰਚ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 13 ਇੰਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ 13 ਇੰਚ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਲਿਆ।
फिर इस नू मैं स्केल दे नाल मिला था। ठीक है, हुन आ लाइन 13 इंच दी है कि किन्ने इंच दी है, इनू मैं दसन दे लई कि मैं 13 इंच दी लाइन लगाई है, मैं दे पैरलर एक लाइन लगाई हाफ हाफ करके। ठीक है, और उस दे मैं इस तरह का एक टी बनाता, एक इधर बनाता। ठीक है, एरो का निशान लगाता और 13 इंच लिखता। कहन का मतलब कि आ वाली लाइन, जो मेरी आ वाली लाइन है, ये 13 इंच दी है। ठीक, हाँ जी, बच्चे बोल रहे हैं, तुसी भी बोलो ना नाल नाल। हाँ जी, ठीक, हाँ जी। ठीक है, अगली लाइन ली सी मैं 20 इंच दी। मैं की किता, 1/9 दे विच 20 इंच दी लाइन, वो 20 इंच मैं इत्थे तक लगाया। ठीक, मैं इसका निशान लगा। हुन यह लाइन 20 इंच दी है, इनू शो करन दे लई मैं दे पैरलर लाइन लगाई। इसनू टी जरूर बनाना है। ठीक है, जदों तुसी टी बनाओगे मतलब कि आ लाइन इस पॉइंट इसके सामने है, आ लाइन इस पॉइंट तो इस पॉइंट तक 20 इंच दी है। ये शो होएगा ऑटोमेटिकली, स्टैंडर्ड है। तुसी किसे नू दसन थोड़ा जाओगे एग्जामिनर नू कि असी 20 इंच दी लाइन बनाई है, या तुसी अपनी कॉपी कदे भी खोलोगे फ्यूचर च भी तां तुसी थानू पता लग जाएगा कि मैं आ लाइन लई सी 20 इंच दी लई सी। ठीक है, ऐसे तरह ही अगे असी लई सी 30 इंच दी, 1/9 च 30 इंच। हाँ जी मैं दोबारा लाइन रिपीट कीती है। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ आएगा तो प्लीज दोबारा तो पूछ लेना। ठीक है, ये 30 इंच दी लाइंस है, इसनों मैं इत्थे तक खत्म कर रहे। देखो मेरे ए टी वाला निशान दा मतलब कि लाइन इस लाइन पॉइंट तो लेके इस पॉइंट तक 3 इंच है। ठीक है, ए मैं 1/9 च कीता है। अगे मैं करांगी 1/6 च, फिर मैं इत्थे लिखांगी स्केल 1/6। ठीक है, फिर मैं इत्थे भी 1/6 ही लवांगी। इत्थे 1/6 लिखा होया और मैं 1/6 वाला साइड ही लवांगी। ऐसा नहीं होगा मैं 1/9 लवांगी, मैं 1/6 लिखा तो मैं इत्थे 1/6 वाले ही लवांगी। ठीक है, पहला आपां सब तो पहला की किया सी 13 इंच, इंच वाला लिया है, नॉट सेंटीमीटर। हाले मैं सिर्फ इंच वाला दस रही हाँ थानू, कल सेंटीमीटर दी लाइन करांगे आपां। ठीक है, 13 इंच देखो मैं थानू शो कर दी हां, एक मिनट। एक बटा छे च कीता लाइन बढ़ गई, 1/9 च कीता लाइन घट गई। ठीक है, समझ आ गया? हाँ जी मैम। गुड, हुन आपां 1/20 इंच दी लाइन करी सी, हुन आपां 1/6 च 20 इंच दी लाइन करांगे। जिन्ना तुसी वड्डा स्केल च करोगे ओना बड़ा आएगा, जिन्ना छोटे च करोगे ओना छोटा आएगा। हुन 1/6 छोटा हुंदा गया, ओह स्केल वद्दा चले गया, ड्राफ्टिंग दी लाइन्स वद्दियां चले गईयां। ठीक है, ए 20 इंच दी थानू लाइन खिचनी तां आ गई ना? हां जी बोलो। हां जी मैम। ठीक, हां जी मैम। ऐसी तरह ही असीं स्केल दे करदे हां। हुन असीं अगे ले असी 30 इंच, हुन 30 इंच मेरी बड़ी लाइन होगी। देखो मेरा 30 इंच इत्थे तक आ रहा है, थानू दिख रहा है? हां जी मैम। ठीक है, 30 इंच मेरा नीचे तक आ गया, अच्छे ऊपर तो। ठीक है, इस पॉइंट तो, इस पॉइंट तो लेके इस पॉइंट तक 30 इंच। ठीक, 1/6 स्केल च मेरी लाइन बढ़ गई, लेकिन 1/9 च की सी मेरी लाइन छोटी सी। ठीक है,
ਇਹ ਐਰੋਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਣੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਡਰਾਫਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਰਾਫਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਈਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਰੇ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ड्राफ्ट समझ नहीं आएगा मैं थानू चाहती सी कि थानू बेसिक समझ आ जाए फिर थानू ड्राफ्टिंग या मेरी अगलिया जो चैनल वीडियोज ने थानू समझ आएगी है कि मैं उत्थे कीता की होया नहीं तो थोड़े उपरों लंघ जाएंगे ठीक है ऐसा ही एक बड़ा चार एक बड़ा छे किता है ऐसे तरह ही एक बड़ा पांच है एक बड़ा पांच है ठीक है हम मैंने तुसी ये दसो कि इत्थे तक समझ आ गया थानू यस मैम यस मैम गुड ठीक है हम अपन कल सेंटीमीटर च करांगे ठीक है सेंटीमीटर दे विच की है जो सेंटीमीटर लाइन तुसी अपने स्केल देखो सारे स्केल कढ़ो अपना शो करो अपना प्लीज शो मी योर स्केल शो करो ठीक है अभी भी सेंटीमीटर्स लिखे हुए हैं सेंटीमीटर्स ठीक है लाइंस सेंटीमीटर्स लिखे हुए हैं ठीक है देखो अगर एक बटा नौ भी है उस भी सेंटीमीटर दिसे हुए हैं ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਇੰਚ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਇੰਚ ਪੂਰਾ ਡਰਾਫਟ ਇੰਚਾਂ ਚ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਡਰਾਫਟ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ ਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਲ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦੋ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਚਾਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਕੇਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੰਚੀ ਚ ਤਾਂ ਇੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਚ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਬਟਾ ਨੌ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇੰਚਾਂ ਚ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬਟਾ ਛੇ ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇੰਚਾਂ ਚ ਕੀਤਾ ਲਾਈਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਗੁੱਡ ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਯੈਸ ਮੈਮ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇਲ ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਫੁੱਲ ਸਕੇਲ ਚ ਜਾਂ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕੇਲ ਚ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਚਾਂ ਇੱਕ ਬਟਾ ਨੌ ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਟਾ ਛੇ ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 20 ਇੰਚ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਫਲੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ 20 ਇੰਚ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ 20 ਇੱਕ ਬਟਾ ਛੇ ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿਓ ਛੇਤੀ 18 ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਦੋਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਛੇਤੀ 18 ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 2 ਬਚ ਗਿਆ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 3.3 ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਚਾਂ ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕੇਲ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6.3/3 ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1/6 ਚ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਂ 20 ਇੰਚ ਤੇ ਆ 20 ਇੰਚ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੈਂ 20 ਇੰਚ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਸੀ ਇੱਕੋ 3.3 ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ ਇੰਚ ਆਹ ਦੇਖੋ 3.3 ਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜੂਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੂਮ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਜੂਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ 20 ਨੂੰ 1/6 ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ 3.33 ਆਇਆ ਸੀ ਯਾਨੀ 3.33 ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 3.33 33 ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1/6 ਚ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ 20 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆ 20 ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 20 ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ ਇਸ ਵਾਲਾ ਇੰਚ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ 3.33 ਆਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਈਅਰਮੈਂਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 1/6 ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਤੇ ਜੋ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਈਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਕੇਲ ਲਿਖਿਆ, ਸਕੇਲ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਸਨ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਭੇਜ ਦੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਸ ਮੈਮ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਲਗਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਮ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ।